कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो ग्राइंडिंग लैंड से बहुत ग्राइंड वगैरह कर लिया, अब जाते हैं स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट करने। तो फिलहाल बात करनी है एडमिरल से, लेकिन एडमिरल एब्सेंट है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिरल का जो क्वेस्ट था वो स्पेशल असाइनमेंट्स में आ चुका था। तो जाकर हैंडलर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट क्वेस्ट करूँगा, मास्टर रैंक में जाऊँगा और स्पेशल असाइनमेंट रिवील लाइसेंस डिस्ट्रॉयर। ये वही क्वेस्ट है जो मुझे मिला था जब मैंने पता लगा था कि किरीन का जो सींग है वो किसी ने तोड़ दिया है। तो क्वेस्ट लोड होता है, तो चलो यार तब तक खान पान पी लेते हैं, मतलब खान पान खा लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब जब मैं कोई भी किसी भी तरह का मील सेलेक्ट करता हूँ, तब तुम यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ स्किल्स वगैरह है, फूड स्किल्स जिनको कहेंगे, जो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या रहता है ना, अलग अलग फूड स्किल्स वगैरह रहते हैं, और इसके साथ अलग अलग क्या कहते हैं बफ्स वगैरह मिलते रहते हैं। मैं शेफ चॉइस प्लेटर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि रैंडम सा मतलब एक बफ आता है, और हेल्थ और स्टैमिना जो है शेफ चॉइस प्लेटर में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वही करता हूँ मैं, शेफ चॉइस प्लेटर खा लिया मैंने, और अब मैं निकल लूँगा हंट के लिए। ऐसे लग रहा है हंट के लिए लोडिंग होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बड़ा कट सीन आने वाला है, और बड़ा कट सीन आ गया। There's something behind here. Admiral Guiding Lands में गया लगता है। Well now, the heck's going on? कि कॉन्ग है क्या भाई? कौन हो सकता है ये? पता लगाते हैं, पहुंचते ही पता चलेगा। नीचे की तरफ ही जा रहे ट्रैक्स, चलो वहीं पे चलते हैं। स्लिंगर एमो वगैरह थोड़ा उठा लेता हूँ, बस रोटेन वेल पे कुछ ना हो। अच्छा है, रोटेन वेल पे नहीं है। ओके, हैंडलर के पीछे जाना है। यार हैंडलर जब भी किसी भी क्वेस्ट में अपने साथ जाती है ना, मेरे को हमेशा डर लगने लगता है, क्योंकि हैंडलर की आदत है खुद को मुश्किल में डालेगी और अपने को भी। Definitely not a natural formation. Looks like something just barreled through. Okay, I'm ready. अरे तू किस बात के लिए रेडी है? What caused that huge roar we heard? एक दूसरा किरीन। Is it on guard because
chance of us? अरे बाप रे, कुछ तो भी गोरिल्ला जैसा है ये। एडमिरल का बड़ा भाई बोल सकते हैं। आई मीन एडमिरल गोरिल्ला से कम तो नहीं है। राजांग, हाँ नाइस, नया मॉन्स्टर। तो यही था जिसने लास्ट टाइम किरीन का सींग तोड़ा था। बहुत सही। किरीन की ताकतें इसमें आ गई। एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग बहुत ही सही है मॉन्स्टर हंटर का यार। हट जा हैंडलर। ये किस किस्म की ताकत है यार, एडमिरल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? सही में उस बंदर का छोटा भाई है एडमिरल। बंदर सुपर सेन बन गया था। एडमिरल ऑलरेडी सुपर सेन 3 के लेवल पर है, हेयर स्टाइल देखकर पता लग रहा है। रजांग था। अच्छा शॉट था। वॉल्केनिक एरिया में है और मेरे को कूल ड्रिंक पीने का भी मौका नहीं मिला, कट सीन आ चुका था। खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही तेज है ये बंदर यार। बहुत सही टाइम पे डॉज था हमारा। नाइस। ओरे बाप रे, इसके ओपनिंग्स इतने कम क्यों है? ओके, सुपर सेन बन चुका है वो, एग्रो हो चुका है वो अभी। वो क्या रहा है ये? थोड़ा तो मौका दे भाई मारने का, ऐसे में तो मेरा स्टैमिना ही खत्म होता रहेगा। पीछे मार सकता हूं क्या? अरे बाप रे, ये क्या था? मैं सही बता रहा हूं, इसको मारने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सही टाइम पे डॉज।
एक और सही टाइम पे डॉज। तो यार हैंडलर ने साइड में बोला इसके हाथ हार्ड हो चुके हैं, तो मैं इसके आगे में डैमेज दे नहीं पाऊंगा, तो अभी जरूरी है पूछ। एम फॉर द टेल, ओके सही है, हैंडलर ने भी बोल दिया। ओके, टेल पर एम करने से इसको थोड़ा सा झटका मिलता है, और टेल पर एम करने से इसका सुपर सैन फॉर्म भी खत्म हो जाता है। बहुत सही, इसका इसके वीक पॉइंट्स इतने कम क्यों है यार, हर जगह सिर्फ वाइट डैमेज क्यों आ रहा है। इसके करीब ही रहना सही है, लेकिन करीब रहने पर लगने के भी चांसेस ज्यादा है, तो बहुत ही सोच समझ के यहां पर मूव्स लेने पड़ेंगे। बेचारा बिल्ला, बहुत सही। अरे ये क्या था, अरे ये कैसा था, इसको स्टन भी नहीं कर सकते। बहुत सही, ये बढ़िया मौका है इसका। फिर से सुपर सैयन दोस्तों, कभी भी यार, अरे मतलब मिड फाइट में ही उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। बढ़िया डॉज, बढ़िया डॉज फिर से। अच्छा हुआ मेरे पास इवेड विंडो ज्यादा है। यार ये क्या था यार, ये तो सही नहीं है, इतने छोटे से जानवर से ग्राउंड ट्रेमर्स कैसे हो सकते हैं। भले ही छोटा जानवर है लेकिन मसल पावर कुछ ज्यादा ही है इस पे। खैर एडजस्ट करना पड़ेगा अभी मेरे को भी। पासा, नाइस। अरे यार क्या डैमेज है ये, क्या डैमेज है ये, मैं सही बता रहा हूँ, ये बैरियोथ वाला अटैक था वो, जो वो जोर से एकदम कूद के अपने दांत गाड़ देता है। नहीं यार नहीं, रोल करना मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है ग्राउंड ट्रेमर्स वगैरह कुछ। अरे क्यों, बहुत सही, रैथलॉस किस लिए भाई, ओ नाइस टर्फ वॉर, बहुत सही। यार एक तो मुझे इन चीजों पर गुस्सा आता है, एक तो डबल डबल चीजें आ जाती है, ऊपर से पहले से इतना खतरनाक मॉन्स्टर, और रैथलॉस का जो अटैक था उसने आधी हेल्थ खत्म कर दी मेरी। अरे बहुत सही रह जाए, रैथलॉस यही डिजर्व करता है। नफरत है यार मेरे को रैथलॉस से, खासकर ये और इसकी बीवी, मतलब कहीं पर भी आ जाते हैं। एम फॉर हिज टेल, नाइस। टेल पर एम नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, पास आ रजैंग। अरे भाई क्या क्या हिटबॉक्स था वो, मैंने डॉज रोल किया था फिर अचानक से वो मेरे पे लग गया फिर से। नहीं 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 नहीं, गलत जगह मैंने डॉज रोल किया। खैर कोई दिक्कत नहीं, पूंछ पे एम ही नहीं लग रहा यार, इतनी छोटी सी पूंछ है इसकी, बेजल की इसकी पूंछ इसलिए मेरे को सबसे सही लगती है। बहुत ही प्रिसाइज हिटबॉक्स है लेकिन क्या ही बताऊं मैं, हिटबॉक्स भले ही प्रिसाइज है लेकिन बहुत ही छोटे से उसके विंडोज है। एक चार स्लैश प्लीज,
बहुत बहुत सही, एकदम सर पे लगा चार्ज स्लैश मेरा। थोड़ा सा जहर का भी असर होने लगा है उसको। पूंछ पे हिट करना है। बहुत सही डॉज रोल था वो, नीचे से निकल गया मैं। अरे रोल करना था, मैंने डाइव कर दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ब्लास्ट फ्रॉग पे मैं आ गया। बहुत सही, मैं भूल ही गया था कि इसकी पूंछ पर मारना है, मैं सर के लिए एम कर रहा था। यार बहुत ही सडन अटैक आया वो, मुझे समझ ही नहीं आया। पूंछ पे ऑलमोस्ट लगने वाला था, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे बाप रे, थैंक्स बिल्ले। यार ये सही चीज नहीं है। क्या ड्रैगन बॉल वाला की ब्लास्ट और इतने खतरनाक खतरनाक अटैक। बहुत सही, चलो अच्छा है, प्रोग्रेशन अच्छा है इस पर। खुद को शार्प कर लेता हूँ मैं एक बार। नाइस। तो यार इस बंदे का जो है, एक तो अटैक स्पीड ज़्यादा है, ऊपर से डैमेज ज़्यादा है। देख रहे हो कितनी जल्दी वो सतर्क हो रहा है। ओहो आजा आजा लाइन पे आजा। अच्छा बचा मैं। हेडशॉट, नाइस। पासा। मेरे बिल्ले को नहीं मारने का क्या? हाँ बस कर भाई, स्पैम करे पड़ा है। मैं एनिमेशन पे अटक गया था। बहुत ही बहुत सही अटैक। इतना ड्रामेटिक क्यों बन रहा है ये? अरे यार मैं भूल जाता हूँ कि इससे इसके ग्राउंड ट्रेमर्स भी आते हैं। अरे कैसे मिस हुआ वो बिल्ला, मेरा कोशिश करने पे लगाया उसको पैरालाइज करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा। पता नहीं क्या मसल पावर है वो उसकी, कुछ ज्यादा ही अपर बॉडी मसल है। इसको देखकर मेरा भी मन जाता है कि भाई जिम विम जाके आओ। बहुत सही अटैक था, बहुत ही ज्यादा सही था। क्रॉसक्राफ्ट का लेवल भी फुल है। मॉकअप 800 का डैमेज, बढ़िया था, बहुत ही मजेदार। अरे यार बिल्ले तुम तो यार बात कर दिए। ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास ट्रिपल लेवल चार्ज का, तो इसलिए मैंने सेकेंड लेवल पे ही, मतलब फर्स्ट लेवल पे ही ख़त्म किया।
मैं सही बता रहा हूँ यार, बिल्ला गजब प्राणी है अपना। क्या था ये, क्या क्या अटैक्स है इसके। थैंक्स बिल्ले। पूरे ड्रैगन्स लोगों की दहाड़ में से इसकी दहाड़ सबसे खतरनाक है, और जबकि ये ड्रैगन नहीं है। पूंछ पे लगी या पूंछ पे नहीं लगी, शायद नहीं लगी। भाई मैं रेंज से दूर था यार, ये क्या है, धरती फाड़ रहा है ये। बहुत ही ब्लेटेंट से हिटबॉक्सेस है इसके। अच्छा शॉट था। अरे यार टर्न ले लिया इसने, पूछ पे लगने ही वाला था। बहुत सही, बहुत सही। अरे हाथ पे मतलब इतना मजबूत हो जाता है कि तलवारें बाउंस होने लगती है। नहीं गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत था वो। मैक्स पोशन पी लेता हूं मैं। नाइस, मौका अच्छा है। पूंछ पे नहीं लगी यार, उसके पैरों पे लग गई। बहुत सही। जान बची लाखों पाए। इस बार पूंछ पे एम करूंगा। उसी के अंदर मैंने डॉज किया, लेकिन आई फ्रेम की वजह से बच गया मैं। अब कहाँ जा रहा है ये। तो जैसे जैसे कमजोर कर रहा हूँ मैं इसको, वैसे वैसे वो ऊपरी स्तर पर जा रहा है। खैर अच्छी बात है। हाँ रजैंग, अरे भाई साहब, डेविल जो, डेविल जो और बंदर, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। अरे यार गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। ओ भाई, ओ भाई, गॉडज़िला सही में कॉन्ग को क्या। अरे भाई साहब क्या था वो, क्या था वो। बहुत ही ज्यादा सही था। और मैं तुम्हें बताऊं, ये गेम 2018 या 19 में रिलीज हुआ था, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग रिलीज होने के काफी टाइम पहले, और कॉन्ग अभी कमजोर हो चुका है। कॉन्ग को मैं ट्रैप कर सकता हूं, गॉडज़िला का एटॉमिक ब्रेथ। अरे बाप रे, अरे नहीं भाई, क्यों भाई, किस लिए। मैंने थोड़ी दहाड़ा। गॉडज़िला कॉन्ग की बजाय पड़ा है। बेचारा कॉन्ग, उड़ जा कॉन्ग। अरे भाई बेचारा कॉन्ग यार, बुरा लग रहा है उसके लिए। बेचारा मूवी में भी पिटा, गेम में भी पिट रहा है। लेकिन एक बात तो यार, टर्फ वॉर में कॉन्ग ने बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन दिखाया। क्यों भाई गॉडज़िले मेरे पीछे क्यों। गीली मेंटल पहन लेता हूँ मैं, ताकि दिखूंगा ही नहीं मैं इसको। एक तो इतने खत्म लेवल पे अंधे होते हैं ये लोग। कॉन्ग शायद अपनी गुफा की तरफ गया है, कॉन्ग नहीं रजैंग। तो कोल्ड ड्रिंक पी के मैं फिर से वॉल्केनो की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। होपफुली उसको कैप्चर कर सकूँ मैं, अगर वो सोया हुआ होगा तो। कॉन्ग है किधर,
यहाँ पर है। अभी भी सस्पिशन का निशान दिखा रहा है मेरे मिनी मैप में, मतलब गॉडज़िला ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कॉन्ग का नेस्ट यहीं कहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ नाइस, तो स्काउट फ्लाइज यार रास्ता दिखा रहे हैं अभी। बार बार कॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, रजैंग। तो यार ये देखो रजैंग सोया हुआ है ऊपर, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, छाती ऊपर की तरफ करके सोया हुआ है। जानवर यूजुअली छाती ऊपर की तरफ करके सोते नहीं है, लेकिन वही है, इसको कौन ही मारेगा। स्ट्रेंथ है इसमें काफी ज्यादा। एडमिरल इज ओके, रजांग का भाई है लिटरली एडमिरल। इतना बड़ा पत्थर उठा के उसने उसके बीम के सामने पटक दिया, तो सोच ही सकते हो एडमिरल में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। और तो और एडमिरल जो है वो फर्स्ट फ्लीट का है, मतलब अभी फिफ्थ फ्लीट के टाइम में एडमिरल ऑलमोस्ट बुढ़ा हो चुका है। और सबसे बेस्ट बात तो ये है, मतलब सोच के देखो फर्स्ट फ्लीट के टाइम पे जब एडमिरल जवान होगा तब उसकी किस लेवल पे स्ट्रेंथ होगी। ओके एडमिरल से बात करनी पड़ेगी, रिपोर्ट बैक टू द एडमिरल। ये देखो यार यहाँ पर है एडमिरल, चलो बात कर लेते हैं उससे। कैसे हो भाई? मतलब राजांग इतना खतरनाक है कि एल्डर ड्रैगन से वो टक्कर ले सकता है, बहुत सही। Anyway, now we know we got Rajan running loose in the guiding lands. Hope you're ready to get down to business because it's monster hunting time. Felt kind of weird fighting that Rajan though. It's spiky golden hair and buff arms. ये राजांग की बात कर रहा है या अपनी बात कर रहा है? इसको खुद भी पता है ये चीज। ऑफ कोर्स इट डिड केम आउट रॉन्ग एडमिरल, सही है। तो चलो एडमिरल अपने लिए जोक ले सकता है। ओहो सीकर के पास भी अपने लिए कुछ तो रिक्वेस्ट है, लेकिन इससे पहले इकोलॉजिकल रिसर्च के पास जाएंगे, देखते वो क्या कहते हैं। Ah, you're back. I had a look at the report that you two made on the Rajang. I was especially curious about your claim that the clutch clock couldn't grapple onto its head, so I had to think about it. Unfortunately, it seems that a clutch claw was not designed for something the size of Rajang's head. Now then, if you're still determined to use the claw attacks or unleash a flinch shot while grappling onto that beast, then you'll have to do when you are grappled onto its forelimbs or arms if you want to be less scientific about it. So next time you face that beast, you should give that a try. Just don't get yourself hurt, yes? Scientific curiosity is fine, so long as you don't overdo it. My outsides are freezing, but the fire inside me never burned hotter. बहुत सही। I'll be here. तो देख सकते हो यार राजांग सबसे छोटा मॉन्स्टर मुझे लगता है यही है, और यहाँ पर देख सकते हो इन बोनों को किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं उस पर। बेसिकली सिडेट करके रखा हुआ है उसको। खैर राजांग को तो कैप्चर कर लिया मैंने, अब स्मिथि के पास जाकर देखना है क्या आर्मर है इसके पास और क्या वेपन्स है इसके पास। बताओ स्मिथि कैसे हो? फुल इक्विपमेंट आर्मर, देखते राजांग। ओके राजांग आ चुका है। तो पहला तो है राजांग की किसी भी कोई भी दो, अगर मैं इक्विपमेंट्स कोई भी दो आर्मर सेट में इक्विप कर लूँ तो मेरे को मिलता है प्रीवेंट्स अटैक फ्रॉम बीइंग डिफ्लेक्टेड। दो सेट के लिए तो बहुत कम है वो,
और अगर डिफ्लेक्ट नहीं भी है तो मेरे को नहीं लगता वो ऑरेंज डैमेज देंगे, वो यूजुअली वाइट डैमेज देंगे जो यूजुअली कम होता है ऑरेंज डैमेज से। फोर में राजांक्स रेज, वेपन शार्पनेस डज नॉट डिक्रीज फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर शार्पनिंग, बुरा नहीं है। वीकनेस एक्सप्लॉइट लेवल 2 मिलता है जो कि 15% अफिनिटी देता है वेपन को जब भी मैं किसी पार्ट को टेंडराइज करता हूँ, तो ये अच्छा स्किल है, ये ले सकते हैं, बाकी का देखते हैं। वीकनेस एक्सप्लॉइट 1 मिलता है मुझे इस पर, गोल्डन हकामा, इसका लुक देख लेते हैं कैसा दिखता है अपना कैरेक्टर इस पर। ना भाई कतई गंद बिल्कुल नहीं, बट ठीक है सबका अपना अपना डिज़ाइन चॉइस होता है। और क्या है और क्या है और क्या है, रजांग के वेपन्स देखना पड़ेगा, वेपन्स में जाऊंगा। लॉन्ग सॉर्ड डुअल ब्लेड्स देखता हूँ सबसे पहले, तो मैं डुअल ब्लेड्स नहीं यार, ये तो बॉक्सिंग ग्लव्स है। तो 406 रॉ डैमेज है, ब्लू शार्पनेस है खास नहीं है, अफिनिटी -10 है, थंडर 60 है, तो यार मुझे नहीं लगता इतना खास है। इतने अच्छे खासे मॉन्स्टर के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा खास है वो। ये डेविल जो का जो स्वॉर्ड है, खैर ठीक है। डीमन हालबर्ड, इसमें भी थंडर 90 है, अटैक 957 है, लेकिन शार्पनेस ब्लू है यार, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खैर मुझे नहीं लगता रजांग का वेपन्स में कुछ क्राफ्ट करूँगा। एक और चीज़ भी है कि मॉन्स्टर हंटर के जितने भी आर्मर्स और वेपन्स वगैरह है वो लोगों के प्ले स्टाइल पर डिपेंड करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा ना लगे। मेरा प्ले स्टाइल बेसिकली थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, वैसे डिफेंसिव तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं यूजुअली बहुत कम डिफेंसिव प्ले कर रहा हूँ, देख ही सकते हो मेरा टोटल डिफेंस जो है यहाँ पर कितना है, 805 है, जो मास्टर रैंक के लिए यूजुअली कम ही डिफेंस रहता है, लोगों की यूजुअली 900 तक डिफेंस जाते हैं मास्टर रैंक में। तो मैं डिफेंसिव ज़्यादा नहीं खेलता, मैं इवेजन ज़्यादा खेलता हूँ, मतलब कि मुझे टाइमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है इस गेम में, यानी कि मैं कभी भी किसी भी मॉन्स्टर को इवेड कर सकता हूँ, कभी भी किसी को डॉज रोल कर सकता हूँ, तो मुझे विंडो की तलाश रहती है कहाँ पर मारूं। और अगर तुम्हारा अटैक ज़्यादा DPS हो तो तुम्हें राजांग का जो आर्मर है वो बहुत पसंद आएगा। तो चलो इनसे बात कर लेते हैं, द सीकर, देखते हैं इनका क्या कहना है। How are you feeling? My apologies for the sudden request. I've stumbled upon something perplexing in the guiding lands. इसको भी कुछ नया मिला है गाइडिंग लैंड्स में। That being two unexplained regions. और दो रीजन है गाइडिंग लैंड्स में, ओके। If possible, I'd like to split up and search the guiding lands together. बिल्कुल। The assistance is appreciated. Your handler will have the assignment. Head to area 1 when you're ready. I found a peculiar opening that looks like a path, and I'd like you and your handler to look into it. I shall investigate the other area I located with the admiral. From a long-term perspective, these changes in the terrain are not highly unusual. Yet, they are rather curious. It's as if the energy of the Guiding Lands itself is stirring. But enough speculation. Let's see for ourselves what the Guiding Lands has in store for us. Good luck, Hunter. In Iceborne, speak to the characters with purple to advance special assignments. Monster Hunter World Special Assignment can be advanced by speaking to the characters found in Estera. In the third place, research base with blue above their heads. ठीक है ठीक है यार, मैं सही बता रहा हूँ, ये सीकर और एडमिरल जब भी कुछ मिलकर रिसर्च करते हैं ना कुछ उल्टा सीधा ढूंढ कर लाते हैं। लास्ट टाइम मास्टर रैंक में याद होगा तुम्हें, दोनों ने एक साथ रिसर्च किया था तो जेनो जीवा को ढूंढ कर लाए थे, और सीकर और एडमिरल ने दूसरे टाइम जब रिसर्च किया था तब शाहरा इशिवालदा ढूंढ लिया था। अभी पता नहीं क्या बला है ये, क्या तो भी ढूंढ कर लाएंगे। खैर जब तक वो चीज़ ढूंढ कर लाते हैं तब तक मैं हैंडलर से बात कर लेता हूँ। वॉल्केनिक रीजन अनलॉक हो चुका है, ठीक है। पोस्ट न्यू क्वेस्ट स्पेशल असाइनमेंट अक्रॉस द लॉस्ट पाथ, हाँ चलो चल के देखते क्या है क्या नहीं। हमेशा की तरह मील कर लूंगा मैं पहले। ओके सब कुछ रेडी है, और
मैं अभी जाऊंगा अपने आइटम को रीस्टॉक करने. रीस्टॉक करने की क्या ज़रूरत है, लोड आउट में ही सब कुछ सेव्ड है तो सबसे सही वही है. क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊंगा, देखता हूँ कुछ और मुझे नया क्राफ्ट करना है कि नहीं. शॉक ट्रैप्स 16 शॉक ट्रैप्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रैंक बॉम्ब्स देखता हूँ, ट्रैंक बॉम्ब्स 5 है सिर्फ अभी, तो और भी क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे. और क्या क्या है मेरे पास, शॉक ट्रैप्स और ट्रैंक बॉम्ब्स तो ठीक है, और मैक्स पोशंस यार 8 बचे हैं अभी, तो थोड़े और क्राफ्ट कर लेते हैं. एटलीस्ट 20 होने चाहिए. मेगा न्यूट्रिएंट्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे. और हनी भी है तो मेगा न्यूट्रिएंट्स भी क्राफ्ट हो जाएंगे. तो ऐसी ऐसी चीज़ें यार कभी कभी क्राफ्ट करनी पड़ती है. और देखता हूँ हार्वेस्ट कितना बचा है मेरा, पूरा हुआ नहीं है, तो चलो क्वेस्ट पे निकल लेते हैं. अक्रॉस द लॉस्ट पाथ. गाइडिंग लैंड्स में वापस आ चुका हूं मैं. कौन सा पाथ, ओ वहां पर ऑफ कोर्स. पार्टनर, am I going crazy or was this opening not here before? No, you're not going crazy. पहले ओपनिंग था ही नहीं. बस नया मॉन्स्टर ना दे दे अभी खत्म करने के लिए. हॉरर फ्रॉस्ट रीज जैसा कोई तो भी रीजन होगा यहाँ पे पक्के से. पक्के से क्या है ही. तो यार बेसिकली गाइडिंग लैंड्स जो है ना वो पूरा मिक्सचर ही है सारे मैप्स का. दिस इज एक्चुअली रियली एक्साइटिंग. टियोस्ट्रा है शायद से. जिनोगर, सब स्पीशीज. मैंने नॉर्मल जिनोगर से फाइट नहीं किया यार. I'll head back to camp, partner. Continue on with the investigation, okay? अच्छा? मत क्या? That grim black lightning and fearsome red aura. That could only be a Stygian Zinogre. Stygian Zinogre, okay. Reports of its appearance here too. पहले तो मेरे पास कुछ है नहीं. और अगर जिनोगर से फाइट करनी है तो मेरे को कुछ और भी चाहिए. स्मोक नट की जगह मैं ये हॉट पेपर डाल दूंगा. हॉट पेपर क्यों आया मेरे पे. क्राफ्टिंग पाउच में जाऊंगा और हॉट ड्रिंक क्राफ्ट कर लूँगा. अच्छा अभी वही चीज़ हो रही है, आइटम पाउच में मेरे बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं तो मैं कुछ तो डिस्कार्ड कर दूंगा और उसके बाद मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा अपना हॉट ड्रिंक. और अगर जिनोगर है यार तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रेट स्वॉर्ड से, चलो यार ग्रेट स्वॉर्ड से ही लड़ लेते, क्या ही है, कितना ही मुश्किल होगा. मैं बोल अभी रहा हूँ लेकिन बाद में मरने वाला हूँ मैं. नलबेरी उठा लेता हूँ मैं. भाई ये कैसा मॉन्स्टर है.
इसकी कमजोरी आइस तो है ना, अगर आइस इसकी कमजोरी नहीं हुई तो मैं पिल जाऊंगा। पूरा ट्रिपल चार्ज। अरे भाई ये बेसिकली ड्रैगन एलिमेंट है। और इसका भी थोड़ा किरीन की तरह है, थोड़ा लक बेस्ड है फाइट इसका। बैकफ्लिप मार रहा है ये। ओहो पूरा अटैक था वो, पूंछ से मारा उसने मुझे। ओके उसके फ्रंट वाले हाथ और उसका सर उसका वीक पॉइंट है, बाकी पीछे वाले पैर उसके वीक पॉइंट नहीं है। डॉज किया था मैंने लेकिन डॉज रोल काम नहीं आया। बाप रे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये। सही टाइम पे डॉज। एक दो और ये और ये और ये बूम। बहुत सही। प्लीज एक चार्ज अटैक, एक चार्ज अटैक। बहुत सही। अब इसको गुस्सा आ चुका है, एक्चुअल में गुस्सा आ चुका है। मुझे ऐसा क्यों लगता है इसको मारने का सबसे बेस्ट तरीका लॉन्ग स्वॉर्ड से है, ग्रेट स्वॉर्ड से नहीं। तो जल्दी से मैं निकल लूँगा अपने कैंप के पास, और कैंप में निकलने के बाद वेपन को बस रिप्लेस कर दूँगा मैं। चेंज इक्विपमेंट, लॉन्ग स्वॉर्ड बहुत सही। अच्छा हाँ, फोकस चार्म की जगह शेवर चार्म डाल देता हूँ मैं, ताकि लॉन्ग स्वॉर्ड से मेरे को टेंडराइज करने में प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हो यार यहां पर है जिनोगर। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, यार आधी हेल्थ तो ये ऐसे ही खा गया मेरी। थैंक्स बिल्ले। भाई कैसे अटैक्स है इसके। नहीं यार बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। ग्रेट स्वॉर्ड ही सही था, कैलकुलेटेड अटैक्स डाल रहा था मैं। अरे बाप रे। बहुत सही, अच्छी बात है। मैंने फोर साइड यार कॉम्बो कंप्लीट होते होते बच गया मैं, हील कर लेता हूं खुद को।
अरे यार लॉन्ग शॉट में बैक स्टेपिंग जब लगती है ना तब उसके इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं अरे यार मैंने सोचा सही टाइम पे फोर साइट मार दूंगा भागता हूं अरे भाई भूल ही गया था मैं उसके रॉकेट अटैक के बारे में इसको एक वॉल बैंक दे सकता हूं मैं और मेरा स्पिरिट गेज भी रीड पर है बहुत सही एक सेकंड के लिए बस शांत हो जाएगी बहुत सही और ये बूम नाइस नहीं 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 नाइस बहुत सही पार्ट ब्रेक मिल चुका है मेरे को यार फोर साइट लेने ही वाला था मैं फंस गया उसी के बीच में खैर कोई दिक्कत नहीं ड्रैगो स्पीयर बग ओके तो यार जब भी मेरे को ड्रैगन ब्लाइट चढ़ता है ना तो एक चीज़ देख सकते हो जो कि मेरे एलिमेंटल अटैक्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं तो ड्रैगन ब्लाइट बेसिकली यही करता है कि जो भी एलिमेंटल डैमेज है मेरा उसको कम कर देता है कम क्या उसको ऑफ ही कर देता है क्योंकि ड्रैगन एलिमेंट जो है वो बाकी एलिमेंट्स को नलीफाई करने की ताकत रखता है फोरसाइट बढ़िया टाइमिंग थी वो तो देख ही सकते यार मेरे डैमेज नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं क्योंकि एलिमेंटल डैमेज आ ही नहीं रहा फिर से नहीं हट अरे यार टाइमिंग सही से नहीं कर पाया मैं खैर बहुत सही फोर साइड अरे यार सही हट ये दिया मैंने इसको फ्लिंच शॉट इसके सर पे अभी हेलम ब्रेकर पड़ेगा नाइस ओहो स्टाइल से एकदम शीत किया मैंने वेपन को शायद मैं इसको एक और फ्लिंच शॉट दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ मैं स्लिंगर एमो आ चुका है बढ़िया बढ़िया फ्लिंच शॉट फिर से नाइस बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हूं मैं अरे भाई कार्टून स्टाइल में गिरा वो लेकिन
लेकिन मेरा जो क्या कहते हैं लाइफ स्पिरिट स्लैश था वो सही से लगा नहीं, क्योंकि मेरा एक स्पिरिट गेज कम हो गया है, देख ही सकते हो। थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्नर हो चुका हूं यहां पर। इधर आ बिल्ले, उधर क्या कर रहा है? नाइस। अरे यार फिर से नहीं, ड्रैगन ब्लाइट लग गया मेरे को। अपना बिल्ला जो है यार कतई जोशीला आदमी है, बिल्ला है। नाइस, शार्पनेस कम हो चुकी है। अरे यार कमजोर हो गया ये भी, बहुत सही, इसको भी कैप्चर कर लूंगा मैं। चलो अच्छा, जिनोगर का मारना इतना मुश्किल नहीं था जितना रजैंग को मारना था। हाँ एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ट्रेल रेडर्स जो है ना वो कहीं पर भी बुलाए जा सकते हैं, ये देखो। तो अभी ट्रेल राइडर जो है वो तो पहले स्काउट फ्लाइज को सूंघेगा और उसके बाद वो पीछा करेगा जिनोगर का, जो कि अभी कमज़ोर हो चुका है। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूँ मैं जिनोगर को कैप्चर कर लूँगा। बस उम्मीद यही है कि वो सोया हुआ हो। ओके, जिनोगर गधे भेजकर सो रहा है, बहुत सही। ट्रैंक बॉम्ब तैयार है, शॉक ट्रैप तैयार है, पास जाते हैं और कर लेते हैं। अरे भाई इसकी पूंछ यहाँ पर है, देख सकते हो यार कितना बड़ा हिटबॉक्स है उसके पूंछ का। तो स्टीजन जिनोगर भी हो चुका है कैप्चर, मजेदार हंट था वो। इसके मूव्स जो है उसको रीड करना मुश्किल था, लेकिन इसके मूव्स रीडेबल जरूर है। ये क्या कहते हैं रजांग की तरह नहीं था जो अचानक अचानक से अटैक्स मारता हो। इसके अटैक्स जो है यूजुअली कैलकुलेटेड थे, इसलिए ग्रेट स्वॉर्ड से मैं अच्छे से उसको रीड कर पाया। लॉन्ग स्वॉर्ड में थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, वो मैं समझ पाता हूँ। लेकिन यार जिनोगर का हंट मज़ेदार था। Up for a field trip? I mean, aren't we supposed to head back? There's something you must see. Let us go. सही बता रहा हूँ यार, ये दो लोग जब भी कुछ नया लेकर आते हैं सबसे बड़ी मुसीबतें लेकर आते हैं। Are sealed. Guess he wants us to see it firsthand. We're here. Let's drop. कोई तो भी और घाटी मिली क्या इनको? Okay. नया एरिया लग रहा है मेरे को, या फिर लेवल्स वगैरह है नीचे, नीचे झंडे लहरा रहे हैं। Sure sniffs something out, eh? ये किस तरह के झंडे हैं? अपने से पहले कोई तो भी ट्राइब आई होगी यहाँ पे। एक सेकंड, ये झंडा नहीं है, ये चमड़ी है किसी तो भी जानवर की, या फिर बहुत सारे जानवरों की। No way.
क्या है ये? अरे बाप रे, ज़ीनोजीवा। ज़ीनोजीवा, it shedded its skin countless times here. तो ये पोकेमोन इवॉल्व हो चुका है। Just as I suspected, something bad is brewing. ज़ीनोजीवा बड़ा हो चुका है। We must hold council. Let's hurry. बस काउंसिल होने नहीं देंगे अभी। क्या ड्रैगन है ये? क्या म्यूजिक था वो? मैं सही बता रहा हूँ यार, डिजाइन और म्यूजिक, एक तो यार इतना सही म्यूजिक, ऊपर से इतना खूबसूरत डिजाइन और इतना सही एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग। ज़ीनोजीवा का स्किन श्रेड हो चुका था, ज़ीनोजीवा बड़ा हो चुका था, अब बड़े ज़ीनोजीवा से लड़ना पड़ेगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये उतना आसान नहीं होने वाला जितना ज़ीनोजीवा आसान था। आई मीन, अगर टेक्निकली भी सोच कर देखे, जब ज़ीनोजीवा के पास पहुँचे थे तब ज़ीनोजीवा जस्ट पैदा हुआ था वहाँ पे, और उसी टाइम पे उसके पैदा होते ही मैं उससे लड़ने लगा था, तो थोड़ा सा ईजी पड़ा वो, लेकिन अभी वो बड़ा हो चुका है तो ये चीज़ मुश्किल होने वाली है। ट्रैकर से अभी बात करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रैकर से बात करने से पहले एक बार एटलीस्ट सो द क्यू इन गेम बैग विथ लेयर्ड वेपन्स, लेट्स या चेंज योर वेपन अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग इट्स स्टैट्स। ओके, पहले लेयर आर्मर थे, अभी लेयर वेपन्स है, बहुत सही। तो देख सकते हो यार, वेपन का लुक बदल सकते हैं, वेपन के स्टैट्स बदलेंगे नहीं, यह सही है। चलो इक्विपमेंट में जाके देखता हूँ, आर्मर में देखते स्टीजियन का क्या आर्मर है। लेटेंट पावर अपने को मिलता है, तो लेटेंट पावर क्या करता है? लेटेंट पावर सीक्रेट, अच्छा लेटेंट पावर की जो मैक्सिमम लेवल है वो बढ़ा देता है, ठीक है। ट्रेमर रेजिस्टेंस, विंड प्रूफ, पार्ट ब्रेकर लेवल 2, ओके। इसका हैंड पीस अच्छा है अगर ले सकता हूँ तो, और उसमें स्लॉट लेवल्स भी अच्छे अच्छे हैं। लेटेंट पावर लेवल 3 मेरे को मिल रहा है उसके क्या कहते हैं, वेस्ट पीस से। लेटेंट पावर में देखते हैं, वाइल एक्टिव इंक्रीजेज अफिनिटी बाई 30%, रिड्यूसेज स्टेमिना डिप्लेशन बाई 50%। तो ये ट्रिगर कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर लिखा है कि रिड्यूस स्टैमिना डिस्प्लेशन व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अब ये सर्टेन कंडीशंस क्या होते हैं ये गेम तुम्हें नहीं बताता। ये यही बात मॉन्स्टर हंटर की सबसे बुरी भी लगती है और सबसे मज़ेदार भी लगती है, क्योंकि यार कैसे ही बताऊँ, बुरी इसलिए लगती है क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मज़ेदार इसलिए लगती है कि खुद इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करने में मज़ा आता है। देखते इसका लुक कैसा है, लुक देख सकते हो रेजहैंग से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और पूंछ भी है यहाँ पे। अल्फा आर्मर मेरे को दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बीटा आर्मर में स्टैट्स ज़्यादा है लेकिन दिखने में इतना मज़ेदार नहीं है। खैर, तो यार ये था स्टिजियन जिनोगर। ऑगमेंटेशन में देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। डिफेंडर कटाना हाई लेवल का है लेकिन देख लेते हैं। वॉरियर स्ट्रीम स्टोन चाहिए, रैथलॉस रूबी चाहिए अटैक के लिए, हेल्थ के लिए चाहिए वॉरियर स्ट्रीम स्टोन 2। एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, वॉरियर स्ट्रीम स्टोन फार्म करने का सबसे इजी तरीका कौन सा होता है, तो एक इवेंट क्वेस्ट रहता है बेसिकली, और ज़्यादा खतरनाक इवेंट क्वेस्ट रहता भी नहीं है। टंड्रा रीजन गार्डिंग लैंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्ट न्यू क्वेस्ट में, और मैं जाऊँगा हाई रैंक में, इवेंट में जाऊँगा मैं, रिलिश द मूवमेंट, तो एक टेम्पर्ड डेविल जो यहाँ पर रहता है
अगर मैं इसको मारूं तो रैंडमली कोई ना कोई मेरे को क्या कहते हैं कोई ना कोई मेरे को स्पिरिट स्टोन नहीं यार पता नहीं भूल गया मैं स्टोन का स्ट्रीम स्टोन नॉर्मली कोई ना कोई स्ट्रीम स्टोन मेरे को मिलता रहता है तो वही है स्ट्रीम स्टोन इसी से मिलते रहेंगे बार बार ग्राइंड करने पर बार बार स्ट्रीम स्टोन कलेक्ट होंगे किस्मत अच्छी रही तो दो स्ट्रीम स्टोन मिल जाएंगे स्वॉर्ड के लिए तो ये तो हो गया उसका और देखते क्या क्या नई चीज़ें अपन ने अनलॉक करी है यार सीकर तेरा क्वेस्ट अभी मैं नहीं लूँगा सॉरी बट यार अभी इतना अगर हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ का देख लेते एक बार क्योंकि उसका मैं ग्रेट स्वॉर्ड भी अनलॉक करना चाहता हूँ कि ग्रेट स्वॉर्ड के उसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं मैं फोर्ज इक्विप में वेपन्स में जाऊँगा तो देख सकते हो फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ का जो वेपन है उसमें आइस एलिमेंट का जो डैमेज है आइस एलिमेंट जो है वो 630 आइस एलिमेंट है वेल्काना के जो फाइनल वेपन जो होता है ना जो मेरे पास वेल्काना का ग्रेट स्वॉर्ड है उसमें 400 समथिंग एलिमेंट है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुमको वेल्काना तो इसमें देख सकते हो 1296 डैमेज है जीरो अफिनिटी और 450 एलिमेंट है फ्रॉस्ट फैंग में 1296 डैमेज है 630 एलिमेंट है और अफिनिटी 15% तो ये बहुत अच्छा ग्रेट स्वॉर्ड है ये मिलने पर तो मज़ा ही आ जाएगा तो जाने से पहले एक फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ का हंट करके निकल लेते हैं चेंज इक्विपमेंट और मैं लूंगा यहाँ पे फ्रॉस्ट क्राफ्ट डेकोरेशंस भी सेटअप कर दूंगा यहाँ पे स्टेड फीस्ट है एक्सपर्ट है इस बार सोच रहा हूँ चलो यार हेल्थ ड्रिंक से ही काम हॉट ड्रिंक से ही काम चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वैसे ज्वाइन क्वेस्ट करके देखता हूँ कोई अगर फ्रॉस्ट फैंग को हंट कर रहा होगा कि नहीं V3 किंग्स द लास्ट वाइट नाइट ओके कन्वीनियंट है अपने लिए तो ज्वाइन कर लेते हैं किसी का क्वेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है यार क्योंकि अब देख लो फ्रॉस्ट फैंग को मैं बहुत बार ऑलरेडी हंट कर चुका हूँ है ना तो कोई सेंस नहीं बनता मैं बार बार खुद को प्रूव करने के लिए अकेले में ही हंट करता रहूँ प्लस दूसरों के साथ हंट करने में मज़ा भी ज़्यादा आता है जो जल्दी से मैं कर लेता हूँ मील और चल लेते हैं डिपार्चर के लिए अभी तक प्रिपेयरिंग हो रहा है मेरा अवेटिंग अप्रूवल लोडिंग क्वेस्ट कितना टाइम लगेगा क्वेस्ट लोड होने में ओह हो चुका है चलो चल लेते हैं तो चार बंदे मिलकर फ्रॉस्ट फैंग को पेलेंगे मजा आ जाएगा तो यार आ चुका हूं मैं यहां पे और फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता ऐसे ही चलना पड़ेगा मेरे को देखता हूँ हॉट ड्रिंक मेरे पास एक ही हॉट ड्रिंक पड़ा है उसको भी पी लेता हूँ जल्दी से तो हॉट ड्रिंक के पौधे ढूंढने पड़ेंगे मेरे को रास्ते में चलते चलते तो वो भी ढूंढ लेंगे कोई दिक्कत नहीं पहले तो हर्ब्स मिले मेरे को फुटप्रिंट्स वगैरह मैं कलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा रिसर्च लेवल भी उससे बढ़ जाएगा थोड़ा स्लिंगर एमो भी उठा लूँगा यहाँ से और चल दूंगा फ्रॉस्ट फैंग की तरफ और हाँ अपना जो नाइस अरे यार जम गया मैं नाइस
बस एक शॉट प्लीज। अरे यार शॉट रह गया, शॉट रह गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। ये लोग क्या धार वार कर रहे हैं क्या? ओह फ्रॉस्ट फैंग का एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसको उठा लेता हूँ मैं। सिल्वर स्नो बेल्ट, बहुत सही। तो यार हॉट ड्रिंक्स के पौधे देखो यहाँ पर है, तो इसको मैंने कर लिया है कलेक्ट। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो दो बंदे एक साथ फंसे। ओके बहुत सही। बंदा चढ़ चुका है दूसरा ग्रेट स्लॉट प्लेयर मॉन्स्टर पे, तो इसी मौके को देख करके मैं इसकी पूंछ को टेंडराइज कर दूंगा। अरे हाथ पे क्यों अटका मैं, क्या सेंस बनता है इस बात का? नहीं 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 नहीं। बहुत सही। अरे भाई कैप्चर के लिए पूछता हूँ इनको। तो शॉक ट्रैप्स मेरे पास क्राफ्ट करने के लिए चीजें हैं, सही है। तो बंदा कैप्चर करने ही वाला है, कर लिया। नाइस। तो यार देख ही सकते हो कितनी जल्दी क्वेस्ट हो गया दूसरों के साथ खेलने में, और कितना मजा भी आया। जिस बंदे के पास ग्रेट स्वॉर्ड था और मेरे पास भी ग्रेट स्वॉर्ड था, एकदम सिंक में अटैक चल रहे थे अपने पास, तो वो एक मजेदार चीज थी। तो वही है, दूसरों के साथ खेलने में मजा आता है, और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब खुद के दोस्त मौजूद हो। बट अलग चीज है, मेरे कोई भी दोस्त मॉन्स्टर हंटर नहीं खेलते, सब शूटर्स के दीवाने हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही टिकट मिला है यार, ये सही नहीं हुआ। दो टिकट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ताकि ग्रेट स्वॉर्ड क्राफ्ट कर सकूं, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कोई और अगर क्या कहते हैं बैरियोथ के हंट पे निकला होगा तो। द नेकेड ट्रुथ, ब्रांड न्यू ब्रूट, डबल राजांग, ना भाई ये नहीं खेलना अभी मेरे को। लाइटिंग क्रैचेस, प्राउड वाइट नाइट, ना। असाइन में देखते हैं ब्लेजर ब्लिट्स। तो यार
अक्रॉस द लॉस्ट पाथ इज कंप्लीट, चलो सीकर को रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसलिए शायद सीकर के लिए वो था। सीकर कहते हैं, वी बीन वेटिंग फॉर यू हंटर, समथिंग हैज हैपेंड। व्हाइल द डिस्कवरी ऑफ द टंड्रा रीजन इन द गाइडिंग लैंड्स एज वेल एज द ज़िनोगर सबस्पीशीज इज नो डाउट ह्यूज, द जाइगेंटिक रेड मॉन्स्टर्स एग्जिस्टेंस ड्वार्फ्स ऑल ऑफ दैट। It's entirely possible that the appearance of the Stygian Zinogre is related to that monster somehow. But first, we must hold council and discuss what we found and what we have to do. Council table pe ja rahe kya abhi? Gather around everyone. Let's run down what we know. The Fifth discovered a new area in the Guiding Lands that resembles the Hoarfrost Reach. And sighted a subspecies of Zinogre to boot. Thanks to their efforts, it looks like we'll be able to start a thorough investigation of the region. Good work, you guys. Then there's that molted skin we found deep within the earth. And to add to all that, our team sighted some enormous red monster. Correct. This gigantic monster has several unique traits, and I attempted to compare it to documented monsters. But unfortunately, not everything adds up. We may have a completely new, unknown monster on our hands. Hmm. But wasn't that Xenogiva down there? Given how we found the place, it must have matured and molted its skin numerous times. We can't say for certain, which is why we must investigate at once. Got that right. Boss man, I have an idea. We'll go in with a small group to do some recon. Once we figure out what that thing is, we'll return with a larger group to start the investigation proper. For all we know, we could be going up against a three-headed monster that shoots lightning bolts. तीन सर तो नहीं थे उसके. That's why before we get down to business, we need to observe it. Figure out what makes it tick. Three-headed monsters that shoot lightning bolts. अगर तुमने Godzilla, a King of the Monsters देखा होगा तो तुम्हें Ghidorah याद होगा. और Ghidorah वैसा ही मॉन्स्टर था. This thing must be something if you're not willing to go in head first, but I understand. We'll do it your way. Just promise me you'll turn back before you get in over your heads, all right? Understood. We won't tell it for very long. Well then, I'll go about... Partner! Your curiosity is getting the better of you, huh, kid? Don't worry. I know the feeling. There is no one better suited for the job. Than you, Hunter. Thanks. All right, let's go over this one more time. First, we'll ready a special assignment just for this occasion. Then once we launch a full-scale investigation, we'll call for all available hunters to assemble in the Gathering Hub. Gathering Hub, okay. All available hunters. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये quest all available hunters. Vel'Koz को जैसे शुरू में बहुत सारे हंटर्स ने सलियाना में जाने से रोका था ये वैसा ही है, लेकिन अगर गैदरिंग हब की बात चल रही है तो ये शायद मल्टीप्लेयर क्वेस्ट हो सकता है। The objective of this recon assignment will be to observe the monster's behavior. It probably goes without saying, but feel free to bring any other hunters that you can trust. We'll launch the full-scale operation once you return to base and we're able to examine your findings. That should cover everything. Stay safe out there. While you face off against the beast. I shall concentrate on trying to discover its true nature. All right. Looks like we got everything sorted out. Hunters, to the gathering hall. तो यार काफी मजेदार मॉन्स्टर होने वाला है और इन्होंने अगर बोला कि गैदरिंग हब में मॉन्स्टर की हंटिंग होगी या फिर मॉन्स्टर का जो असाइनमेंट है वो होगा तो ये है गैदरिंग हब। हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ इसमें चेंज आता रहता है। तो अभी शायद स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है इसलिए कैपकॉम ने गैदरिंग हॉल ऐसा बनाया हुआ है। तो गैदरिंग हब में बेसिकली इस सर्वर पे जितने भी प्लेयर्स हैं सब एक साथ गैदर हो सकते हैं और यहाँ पर मैं अगर कोई भी क्वेस्ट पोस्ट करता हूँ ना तो उन हंटर्स को भी पता चलेगा। वैसे तो नॉर्मली पता चल जाता है लेकिन ये जो नए मॉन्स्टर का क्वेस्ट है देख ही सकते हो यहाँ पे रिकॉन मिस्टीरियस लोकेल ओके लूनर फेस्टिवल फुल बूम फेस्टिवल सही है कोई दिक्कत नहीं। Hey, partner.
खैर जो भी है यार, मुझे नहीं लगता मैं अभी इस रिकॉन में जाना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा फिर और क्वेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस क्वेस्ट इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये हंटर मेरे पीछे क्यों पड़ी है एनी हाउ। और कमेंट में बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे। बाय बाय।